प्रजातियों ने अपना अस्तित्व कायम किया था। इसमें से रामापैथिकस 12 से 14 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहने वाले अनेक प्राइमेट्स में से एक थे, जिन्हें अर्ली होमिट्स और एस्लोपैथिकस का संभावित पूर्वज के रूप में माना जाता है। रामापैथिकस में मानव और वानर जैसे समान गुण पाए जाते हैं। कुछ समय पूर्व खोजे गए एक कंकाल से पता चलता है कि मानव और रामापैथिकस काफ़ी हद तक समान थे। इसे पता चलता है कि रामापैथिकस ह्यूमन इवोल्यूशन ट्री का एक अहम हिस्सा था, जिसे अनेक मानव प्रजातियों का पूर्वज माना जाता है। इनकी हाइट 5 फुट के आसपास हुआ करती थी और दिमाग आज के मानव की तुलना में बहुत ही छोटा हुआ करता था। इनके पैर के तकने काफ़ी लचीले हुआ करते थे और पैर चिंपैंजी जैसे थे। मानव का कार्मिक विकास क्या है, यह आमतौर पर कैसे कार्य करता है, यानी कि आधुनिक मानव का चरणागत तरीके से विकास कैसे शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर व मस्तिष्क यानी कि दिमाग का विकास कैसे शुरू हुआ था और हम कैसे इस आधुनिक दुनिया में सबसे समझदार व सफल प्रजाति के रूप में उभरे होंगे? यानी कहा जाए तो हमारा अस्तित्व प्रारंभिक मानव प्रजाति से ताल्लुक रखता था, जो कि होमोजीनियस से रिलेटेड प्रथम प्राणी है, यानी कि जो होमोजीनियस हैं वह एस्लोपिथिकस से संबंध रखते हैं, जो काफ़ी हद तक पूर्व और पश्चिमी अफ्रीका में स्थित थे। कहा जाए तो जीनियस नाम के इन प्रजातियों के भौगोलिक विस्तार को यह दर्शाता है, यानी दक्षिणी भाग में रहने वाले एप्स को क्रीक कहा गया, जो कि बंदरों समान प्रजाति से काफ़ी भिन्न थे, जिसके कारण इन्हें होमोजीनियस नाम दिया गया था। होमोजीनियस के प्रथम प्रजाति को होमो हैबिलिस कहा गया, जिसे अंग्रेजी में एंडीमैन भी कहा जाता है। यह प्रजाति प्लेस्टोजीन काल के दौरान इस पृथ्वी पर रहते थे। यह 1.6 लाख साल पहले अस्तित्व में थे। इन्होंने आधुनिक मानव जीवन को नया रूप देने में अनेक प्रकार के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रारूप प्रदान किए।